अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नॉलेज पीडिया की दिलचस्प सवालात की सीरीज़ में खुश आमदीद। सवाल नंबर एक, उंगलियां चटकाने से जो आवाज़ निकलती है वो किसकी होती है? आपके ऑप्शन हैं ए हड्डी की, बी गोश्त की, सी हड्डी टकराने की, डी नाइट्रोजन गैस की। सही जवाब है डी नाइट्रोजन गैस की। उंगलियां चटकाने से जो आवाज़ निकलती है वो दरअसल उंगलियों के जोड़ों में मौजूद नाइट्रोजन गैस की बुलबुलों के फूटने की वजह से होती है। सवाल नंबर दो, सबसे पहला जंगी जहाज किसने बनाया था? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बी बादशाह हारून रशीद ने, सी बादशाह अकबर ने, डी फिरौन ने। सही जवाब है ए हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। सवाल नंबर तीन, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसकी तबलीग पर इस्लाम कबूल किया था? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, डी हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सही जवाब है बी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सवाल नंबर चार, इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम किन की तजवीज़ पर रखा गया था? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, डी हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सही जवाब है ए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सवाल नंबर पाँच, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बी हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, डी हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सही जवाब है बी हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। सवाल नंबर छः, अल्लाह ताला का वो कौन सा हुक्म है जिसे अदा ना करने पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की पिटाई करने का हुक्म दिया? आपके ऑप्शन हैं ए नमाज, बी रोज़ा, सी सच बोलना, डी कुरान पढ़ना। सही जवाब है ए नमाज। सवाल नंबर सात, किस अजीम हस्ती की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बी हज़रत अमार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सी हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, डी मालूम नहीं। सही जवाब है ए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। सीरत की किताबों में उलमाए किराम ने लिखा है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई थी क्योंकि उस वक्त नमाज जनाजा का हुक्म ही नहीं था। सवाल नंबर आठ, वो कौन सा शख्स है जिसके मरने के 3000 साल बाद पासपोर्ट बना? आपके ऑप्शन हैं ए फिरौन, बी शद्दाद, सी नमरूद, डी बादशाह अकबर।
सही जवाब है ए फिरौन, क्योंकि फिरौन की लाश को मुख्तलिफ ममालिक में रिसर्च के लिए भेजा गया था तो उसके लिए उसकी लाश का पासपोर्ट भी बनाया गया। सवाल नंबर 9, अल्लाह ताला की अता करदा वो कौन सी गिजा है जो कभी ख़राब नहीं होती? आपके ऑप्शन हैं ए शहद, बी खजूर, सी गंदम, डी चावल। सही जवाब है ए शहद। सवाल नंबर 10, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किन को वुजू और नमाज का तरीका सिखाया था? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सी हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। सही जवाब है बी हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल नंबर 11, सबसे पहले कापी किसने बनाई थी? आपके ऑप्शन हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 12, सबसे पहले खतना किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 13, जिस्म का कौन सा हिस्सा वुजू के दौरान धोने से वुजू टूट जाता है? सही जवाब है ये मोज़ों पर मसा करने वाले का पांव है। जब मोज़े पहने हों और पांव को धो ले तो गुज़िश्ता हदस की वजह से फिर से बेवजू हो जाता है, क्योंकि गुसल और मसा को जमा नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ये मालूमाती तोहफ़ा अपने दोस्तों को देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकअल्लाह खैरा।